हेलो फ्रेंड्स, घर गैलेक्सी में आपका स्वागत है। आज मैं फोर डिफरेंट टाइप के किचन कंटेनर्स का रिव्यू करने जा रही हूँ। ये सारे कंटेनर मैंने अमेजोन से ऑर्डर किए हैं, तो इसके जो भी लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। जो फर्स्ट कंटेनर है हमारा, वो सनपिट का वर्जिन प्लास्टिक कंटेनर है, 1500 ml का है और एक दर्जन का सेट है, 12 पीसेस हैं इसमें, और प्राइस जो है 610 rupees है और एक्चुअल MRP है 899 rupees की। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, वर्जिन प्लास्टिक का यूज़ हुआ है इस कंटेनर को बनाने में, तो फूड स्टोरेज के लिए काफ़ी अच्छा है। और ये कंटेनर मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने इसे किसी शॉप से परचेज़ किया था तो मुझे अमेज़ॉन पे दिख गया, इसलिए मैंने इसे ऑर्डर किया है। चलिए ओपन करके देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। ये देखिए, तो कंटेनर का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, प्लास्टिक की भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसमें तकरीबन आपके 1 kg 250 grams प्रोडक्ट आ जाएंगे। और सिंपल सोबर सा है, अगर आपको मीडियम प्राइस में कंटेनर चाहिए तो बेस्ट है ये, आप इसे ज़रूर परचेज। इस कंटेनर की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बहुत अच्छी है। तो चलिए नेक्स्ट कंटेनर देखते हैं। नेक्स्ट कंटेनर जो है हमारा क्लाउड शेल हेक्सागन ग्लास जार, ये एयर टाइट कंटेनर है और 200 ml का है और 12 सेट्स हैं इसके। इसकी जो प्राइस है वो 575 rupees है और एक्चुअल प्राइस है 1099 rupees। चलिए ओपन करके देख लेते हैं इसे। गाइस, जनरली जब हम कंटेनर परचेस करते हैं तो उसकी क्वांटिटी पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। क्वांटिटी या तो ml में होगी या तो ग्राम में होगी, दोनों में ही डिफरेंस होता है। ग्राम तो जनरली हम जो आप यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट्स उसमें रहते ही हैं, 50 ग्राम, 100 ग्राम्स, लेकिन ml और ग्राम दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ होती है। जैसे यहाँ पे 200 ml बोला है, तो ज़रूरी नहीं है कि 200 ml का मतलब 200 ग्राम का प्रोडक्ट इसमें आ जाएगा। तो इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी लगी मुझे, हर एक कंटेनर को रैप करके भेजा है इसने। लीड की क्वालिटी, ग्लास की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ग्लास इसका काफ़ी थिक है, जैसे हमारे जैम बॉटल्स होते हैं काफ़ी थिक ग्लास के, वैसे ही हैं। और इसकी शेप की वजह से ये काफ़ी हैंडी हो जाता है, जब आप लीड को ओपन और क्लोज करते हैं तो काफ़ी ईजली होते हैं। और ये कंटेनर मुझे बहुत पसंद आया है क्योंकि साइज़ और शेप और कैपेसिटी तीनों में ही ये बहुत अच्छा लगा। जो हमारे खड़े मसाले होते हैं उसके लिए बेस्ट है स्टोर करने के लिए, क्योंकि खड़े मसाले इतने सारे होते हैं, हम उसको अगर ओपन छोड़ देते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं या तो कीड़े लग जाते हैं, मॉइस्चर हो जाते हैं, मॉइस्चर आ जाता है उसमें, तो इसके लिए ये बेस्ट है। ये कंटेनर मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने इसे रीऑर्डर भी किया है। और इसकी जो कैपेसिटी है वो 70-80 grams है, तो इतना सफिशियंट है, आप खड़े मसाले इससे ज़्यादा रखेंगे भी नहीं, तो ये ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और एक भी कंटेनर डैमेज नहीं है, सारे अच्छे से आ गए हैं। और इसका साइज़ बहुत ही हैंडी है, देखिए इसकी साइज़ देख सकते हैं आप। तो ऑल ओवर ये कंटेनर मुझे बहुत ही पसंद आया। तो चलिए नेक्स्ट कंटेनर देखते हैं। नेक्स्ट कंटेनर जो है हमारा प्योर सोर्स इंडिया ग्लास कंटेनर है, 4 pieces हैं इसके और एयर टाइट है, रस्ट प्रूफ कैप है, कैपेसिटी इसमें ग्राम्स में दी हुई है 50 ग्राम है और इसकी जो प्राइस है 263 rupees है, एक्चुअल MRP इसकी 599 rupees है। तो चलिए इसको ओपन करके देख लेते हैं इनका। गाइज, ये 4 सेट इसलिए मैंने मंगाए थे 50 ग्राम्स के, क्योंकि जो हम जो जनरली जो स्पाइसेस का बॉक्स यूज़ करते हैं, मैं उसे पहले यूज़ करती थी लेकिन उसमें सारे मसाले मेरे मिक्स हो जाते थे, तो काफ़ी मेसी सा लगता था, इसलिए मैंने इसे ऑर्डर किया ताकि हमारे जो बेसिक इंग्रेडिएंट होते हैं हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर इस तरीके के, वो मैं इसमें स्टोर कर सकूँ। तो पैकेजिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, देखिए बबल्ड पॉलीथीन में अच्छे से रैप किया हुआ है।
इसकी भी जो ग्लास की क्वालिटी वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन हेक्सागन ग्लास से थोड़ी थिन लगी, और लेकिन क्वालिटी अच्छी है इसकी। कैप की क्वालिटी और ग्लास की क्वालिटी दोनों ही बहुत अच्छी है। इसकी जो कैपेसिटी है वो भी 70 to 80 grams है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी नेक्स्ट जार की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंटेनर जो है हमारा वो प्योर सोर्स इंडिया ग्लास जार कंटेनर है। एयर टाइट है और लीक प्रूफ भी है। तो ये 6 का पैक है और 100 ग्राम इसकी कैपेसिटी है। इसकी प्राइस मुझे पड़ी थी 375 रुपीज़ में, और एक्चुअल प्राइस जो है इसकी वो 850 रुपीज़ है। तो ओपन करके देख लेते हैं इसे। गाइस, पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है इसकी, और 6 का सेट है। इसका जो शेप है बिल्कुल वो डाबर हनी शहद का जो ग्लास कंटेनर आता है बिल्कुल उसकी तरह ही है। और कैपेसिटी इसकी 100 ग्राम है, लेकिन आप इसमें 100 to 120 ग्राम आराम से स्टोर कर सकते हैं। ग्लास की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, थिन ग्लास है इसका। लीड की भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। गैस कंटेनर के जितने भी लीड हैं सारे की क्वालिटी सेम ही है। ये जो है हमारा 100 ग्राम का कंटेनर है, ये 50 ग्राम का कंटेनर है, लेकिन 100 में आप 120 ग्राम का प्रोडक्ट स्टोर कर सकते हैं, 50 ग्राम में आप 70 to 80 ग्राम का प्रोडक्ट स्टोर कर सकते हैं। ये हेक्सागन जार जो है उसमें भी आप 70 to 80 ग्राम का प्रोडक्ट स्टोर कर सकते हैं। इस जार के जो देखिए शेप इसकी, और ये जो हेक्सागन जार है ये मुझे 200 ml का पड़ा था, तो मुझे लगा थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन साइज ऑलमोस्ट सेम है दोनों की, और दोनों की कैपेसिटी भी इक्वल है। गाइस, सारे कंटेनर मुझे काफ़ी पसंद आए, लेकिन सबसे फेवरेट मेरा हेक्सागन ग्लास कंटेनर रहा। तो गाइस, ये कंटेनर रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।